The beautiful garden, she was standing in a long, low hall. There were lots of lights hanging from the ceiling. There were doors all around the hall. उसको बहुत सारी lights वहाँ पर नज़र आती हैं, doors भी नज़र आते हैं. Alice tried to open them, उनको खोलने की कोशिश करती है. They were all locked, वो उन सबको ताला लगा होता है. She saw a little glass table with three legs. उसने three legs वाला एक table उसको नज़र आता है. There were a small gold key on it, उसके ऊपर एक gold key पड़ी होती है. Then she noticed a low curtain. Behind it was a little door about 15 inches high. फिर उसको एक कर्टन नज़र आता है, उसके पीछे 15 inches का एक छोटा सा डोर होता है. She tried the little gold key in the lock, the door opened. वो उस की को लगाती है और डोर ओपन हो जाता है. Alice bent down and looked through. She saw a small tunnel and at the end of it a very beautiful garden. Oh, I would like to go into the nice garden. वो बैठती है, जब देखती है उसको टनल नज़र आती है, उसके अंदर से जब वो जागती है तो उसको एक बहुत प्यारा गार्डन नज़र आता है. She thought, but she was too big to get into the tunnel. लेकिन वो बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं कि वो वहाँ से गार्डन को देख रही है, लेकिन वो बहुत बड़ी है, उस टनल में वो नहीं जा सकती. I wish I could make myself smaller. काश मैं अपने आप को छोटा कर सकती, thought Alice. Alice she locked the little door and went back to the table. उसने वो उसको दोबारा लॉक करती है और दोबारा चली जाती है टेबल के पास. This time she found a little bottle on the table. इस वक्त उसे एक छोटी सी बोतल नज़र आती है. She put the key on the table and picked up the bottle. वो की को टेबल के ऊपर रखती है और बोतल को उठा लेती है. This was not here before, Alice said. Round the bottle was a paper label with the words drink me. जो ये जो बोतल थी वो पहले नहीं थी जब वो की उठाती है, लेकिन ये बाद में आती है. आपने पढ़ा है कि ये मैजिकल, इसके साथ एडवेंचर्स हो रहे हैं, तो वो ये भी एक मैजिक ही था. तो उस पर जो बोतल है उस पर लिखा होता है ड्रिंक मी. फर्स्ट एलिस टेस्ट इट केयरफुली, पहले उसको वो टेस्ट करती है. इट वाज़ वेरी नाइस, सो देन शी ड्रिंक इट ऑल. वो बहुत मज़े का होता है, इसलिए वो उसको सारा पी जाती है. एलिस ग्रो स्मॉलर, एलिस फिर से छोटी हो जाती है. वट अ स्ट्रेंज फीलिंग, कितनी अजीब फीलिंग है, सेड एलिस. एवरीथिंग सीम्स टू बी गेटिंग बिगर, सारी चीज़ें उसे बड़ी दिखाई दे रही थी. परहैप्स आई एम गेटिंग स्मॉलर, लगता है मैं छोटी हो रही हूँ. शी वॉज़ गेटिंग स्मॉलर, वो छोटी हो रही थी. शी वॉज़ नाउ ओनली 10 inches हाई, सिर्फ वो 10 inch की रह गई थी. शी फेल्ट वेरी हैप्पी, उसे बहुत खुशी हुई. शी वॉज़ जस्ट द राइट साइज टू गो थ्रू द लिटल डोर इन टू द लवली गार्डन, क्योंकि अब 10 inches के साथ वो अंदर गार्डन में जा सकती थी. वेन शी अराइव्ड एट द डोर शी फाउंड शी हैड फॉरगेटन टू ब्रिंग द लिटल गोल्ड की. जब वो डोर के पास आती है तो वो उसे याद आता है कि वो तो गोल्ड की भूल गई है, क्योंकि वो दरवाज़ा लॉक होता है और उसके लिए की ज़रूरत होती है, और वो की तो उसने टेबल पे रखती है. व्हेन शी वेंट बैक टू द टेबल इट वाज टू हाई फॉर हर, जब वो टेबल के पास जाती है तो वो दोबारा, वो टेबल तो अब ऊंचा हो गया क्योंकि वो छोटी हो गई. सो शी सैट डाउन एंड क्राइड, वो बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है. वेल इट इज़ सिली टू क्राई लाइक डैट, अपने आप से वो कहती है कि ओ हो, ये तो बहुत अहमकाना हरकत है रोना. एलिस सेड टू हरसेल्फ स्टॉप क्राइंग एट वंस, चुप कर जाओ. देन शी सा लिटल ग्लास बॉक्स अंडर द टेबल, तो उसने एक छोटा सा ग्लास बॉक्स देखा टेबल के अंडर. देयर वाज अ वेरी स्मॉल केक इनसाइड इट, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा केक था विद द वर्ड्स ईट मी ऑन इट, उसके ऊपर लिखा हुआ था ईट मी. वेल आई विल ईट इट, खैर मैं इसको खा लूँगी, सेड एलिस. एलिस कहते हैं परहैप्स इट विल मेक मी ग्रो बिगर, ये मुझे दोबारा बड़ा कर देगी. देन आई कैन रीच द की, और मैं की तक पहुँच सकती हूँ. इफ़ इट मेक्स मी ग्रो स्मॉलर आई कैन गो अंडर द डोर, अगर ये मुझे छोटा कर दे तो मैं डोर के अंदर जा सकती हूँ. आई विल गेट इन टू द गार्डन वन वे और द अदर, मैं फिर उस डोर के अंदर और गार्डन में दाखिल हो सकती हूँ. शी एट अ लिटल ऑफ द केक, उसने केक थोड़ा सा खाया. शी पुट हर हैंड ऑन टू द टॉप ऑफ हर हेड, उसने अपने हेड के ऊपर हैंड रखा. शी वॉन्टेड टू सी विच वे शी वाज ग्रोइंग, वो देखना चाहती थी कि वो कैसे बड़ी हो रही है. शी वॉज क्वाइट सरप्राइज, उसे बिल्कुल हैरानगी हुई. नथिंग वॉज हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा था. सो वेरी क्विकली शी एट द होल केक, उसने जल्दी जल्दी से होल केक खा लिया. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अवर यूनिट नंबर वन. हमने इससे रिलेटेड जो नॉवल का है, फर्स्ट यूनिट कह सकते हैं हम इसे, इसको हमने रीड कर लिया है. इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द आंसर क्वेश्चंस ऑन अवर वर्कबुक. ये जो हमारी वर्कबुक है, यहाँ पे इसका एक नॉवल हमारा पोर्शन दिया होता है, हम उसको करेंगे. तो तब तक के लिए ये देखें यहाँ पे डाउन द रैबिट होल, तब तक के लिए आप सबको बहुत सी ढेर सी दुआएँ, अपनी दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.